हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज आनंद। आई थिंक वी आर लाइव। जस्ट अ सेकंड बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक वी आर लाइव। एक मिनट बच्चों। एक्चुअली क्या है ना यार, अपने थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपने लोग थोड़ा सा कम है, राइट। टेक्निकल चीजें अपने को थोड़ी सी देर में समझ में आती हैं, तो गलतियां हो जाती हैं कभी कभी हैं। ऑडियो वीडियो आ रही है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम लोग हैं। तो भैया, हम लोग देख चुके थे अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बहुत सारी चीजें। आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड का। हमने अभी तक अराउंड 5 से 6 लेक्चर इसमें ऑलरेडी ले लिए हैं। बहुत फंटास्टिक चैप्टर था, बहुत सारे बच्चों को समझ में चैप्टर आया। मैंने हर एक पॉइंट को अपने अपने हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने देखी है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी हर एक लाइन एनसीईआरटी की। ठीक है, एंड अब हम जो इस हिस्से में पढ़ने वाले हैं आगे, वो हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको पहले रिवाइज करवाऊंगा एक बार, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, देख लेते हैं एक बार। है जस्ट तक, और तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ करनी है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी एनर्जी के साथ में, तो आपको भी क्या करना है, उतनी ही एनर्जी के साथ में पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उतनी ही एनर्जी आपको डालनी है और उतनी ही एनर्जी के साथ में आपको पढ़ना है। ये हम लोगों ने सब देख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर वगैरह पे बात कर ली थी। मैंने आपसे कहा था कि ICBN और ICZN की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है, तो आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन हमारा जो है वो 4 नंबर का है। मैंने आपसे कहा था पिछली बार के लेक्चर में कि यहाँ पर हम बायोलॉजी के अंदर जो है एक भी हम लोग गलती नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इस बार का कट ऑफ देखेंगे तो अराउंड 650+ जा रहा है। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर आपको इतने नंबर लेकर के आने हैं, और नीट एस्पिरेंट्स का ऑलरेडी जो है फिजिक्स, एक फिजिक्स से उन बच्चों को फोबिया होता है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर चांसेस है कि आपकी गलतियां बहुत ज्यादा हो जाएं, या फिर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज बहुत सारी मैथ्स होती है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको टाइम लग जाए, तो अगर आपके क्वेश्चन एक दो छूट जाए, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है। बिकॉज आपने जो है बायो में 360 ऑलरेडी स्कोर कर लिया है। ठीक है, अब आपको इसमें से कितना, देखिए आपने अगर बायो में अच्छी से मेहनत कर ली है और आपने 360 आउट ऑफ 360 पूरे पूरे स्कोर कर लिए हैं, देन आपको स्कोर करना रह जाएगा, मेरी भी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, तो 290 आपको स्कोर करना सिर्फ रह जाएगा, राइट। तो आप समझ रहे हैं, आप अगर कट ऑफ पाना चाहते हैं 650+, तो आपको बायो में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए बायो का एक भी क्वेश्चन आपको जो है नहीं छोड़ना है। एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो आपसे छूट गया हो। सबसे पहले हमें बायो कवर करनी है, बिकॉज ये हमारे एग्जाम में एक मेजर पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और बायो पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि आपको जो है बायो में अगर आपको इतना मार्क लेकर के आना है 360, आपको करना क्या होगा, आपको 2 से 3 चैप्टर रीडिंग करनी होगी पर डे। पर डे आपको चैप्टर रीडिंग करनी है 2 से 3, ठीक है। साथ ही साथ आपको बायो के एमसीक्यू, चाहे जहां से आपको मिले, चाहे वो आपको AIPMT के मिले, चाहे वो आपको HPPMT के मिले, चाहे आपको जहां के मिले, आपको सॉल्व करने हैं सभी। आपको नीट के क्वेश्चन, PYQs और भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो आपको सॉल्व करनी है। हाँ, कुछ बुक्स मार्केट में ऐसी भी हैं जिसमें बिल्कुल फालतू टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं। अच्छी बुक आपको लेनी है, ठीक है, कोई भी बुक आप मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा उसको, और आपको उससे अपने MCQs करने हैं। एज मच एज पॉसिबल आप MCQs करेंगे, डेफिनेटली आपका जो है जो बायो में स्कोर है वो इंक्रीज होगा। और सिर्फ स्कोर ही नहीं इंक्रीज होगा, बल्कि आपके जो स्पीड है, बिकॉज हमारे एग्जाम के अंदर स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज 3 घंटे के एग्जाम के अंदर हमको जो है 180 क्वेश्चंस करने होते हैं,
स्पीड भी मैटर करती है, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, राइट। एज मच एज पॉसिबल आपको एमसीक्यू कर रहे हैं और 2 से 3 चैप्टर रीडिंग आपको पर डे करनी है। साथ साथ में मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, और नोट्स तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। तो बच्चों नोट्स हमारी जरूरत है और इस जरूरत को हमेशा हमको मेंटेन रखना है। आपके नोट्स हमेशा बने रहने चाहिए। एक तो नोट्स आपके वो हुए जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्लास नोट्स आपके हो गए, ठीक है। और दूसरे आपके जो नोट्स हुए वो हैं आपके खुद के शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या टॉपर के नोट्स ले लें, क्या किसी बड़ी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले लें, क्या क्या कर लें, बताइए। देखिए नोट्स अगर आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपकी रैंक बूस्ट नहीं करने वाली है। नोट्स जितने खुद के बनाए हुए आपको समझ में आएंगे, आप जब खुद कॉपी उठाएंगे पेन उठाएंगे चीजों को लिखेंगे ना, तो वो चीजें आपके समझ में आएंगी, वो चीजें आपके माइंड में बैठती बैठती चली जाएंगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नोट्स खुद के बनाने हैं, क्लास नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हीं क्लास नोट्स का आपको समरी लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में। मैंने कल आपसे कहा था कि शॉर्ट नोट्स 1 से 1.5 पन्ने का होना चाहिए मैक्सिमम, राइट। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत फाइन शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, क्लियर। ये तो बात हो गई हमारे नोट्स की। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो मैंने आपसे कहा था कि ICBN और ICZN पे क्वेश्चन आता है, ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा इसके फुल फॉर्म पे। फिर इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका जेनेरिक नेम, एक होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आपका कैरोलस लिनियस। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था जहां पर भी मैं IMP लिख दूं दैट मीन्स वहां से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो भैया इसके आगे देखते, तो मैंने आपसे कहा था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजी पैरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये भी आपको याद रखना है, मैंगो का साइंटिफिक नेम आ जाता है आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। आई थिंक नीट 2020 में इसका जो है क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था मैंगो का साइंटिफिक नाम के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैंजी पैरा इंडिका होता है। फिर मैंने ये कुछ रूल्स भी आपको बताए थे कि कुछ अदर रूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है रूल सारे। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इन सबके बारे में हम लोगों देख लिया था सब कुछ हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या कहा था आपसे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक सीरीज के बेसिस क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक सीरीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो है टैक्सोनॉमी के जो बेसिस हैं वो क्या हैं। टैक्सोनॉमी के बेसिस में मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद उसको एक नाम देंगे तो नॉमेनक्लेचर, देन आप नाम देने के बाद किसी ग्रुप में उसको डालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लियर, आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, राइट। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी अर्लियर जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वो हम अपने यूजेस के आधार पर कर रहे थे कि हम इन जीवों को अपने प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, राइट। एंड मैंने आपसे 2 टर्म बताए थे, एक तो टैक्सोनॉमी, और फिर मैंने आपसे कहा था कि एक वर्ड और होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में मैंने आपसे कहा था कि रिलेशनशिप जब आप निकालते हैं, जब आप रिलेशनशिप का पता लगाते हैं कि नहीं भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तब आप उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोल रहे होते हैं। और जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर जो है जस्ट अ सेकंड बच्चों, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन जब आप उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप को निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके नीट 2023 में आने वाला क्वेश्चन है कि लिनियस की बुक का नाम क्या था। सो लिनियस की बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर आपसे बात करी थी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि स्पीसीज के बारे में फिर मैंने आपसे बात करी थी, ठीक है, कि स्पीसीज क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है,
और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं सबसे ज्यादा, मोर दी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। मोर सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोर सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैरेक्टर, ये जो स्पीसीज है, ये बेसिकली आपकी लोएस्ट कैटेगरी है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा उधर देखता हूँ, तो वहां पे क्या रहता है ना कि वहां पे ये जो आपका इंटरफेस है वो यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहा होता है। दैट्स वाई मेरा ध्यान मुझे बार बार जाता है वहां पे कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट? तो बेसिकली स्पीसीज क्या है, ये एक लोएस्ट कैटेगरी है, और ये जो है इसमें यहाँ पर मोर सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर? तो स्पीसीज ये कहलाती है। फिर मैंने आपसे कहा था कौन कौन सी स्पीसीज है, जैसे के बारे में देख लेते हैं जरा एक बार, जैसे इंडिका हो गई, ठीक है, ट्यूबरोसम हो गए, एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज वेयर इज द मैंजीफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा आर द जनरा, ठीक है? तो ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने जीनस के ऊपर भी बात कर रखी थी। क्या होता है कि जीनस आर दी एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जीनस क्या होता है, दीज आर दी एग्रीगेट्स ऑफ दी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग द जीनस सोलेनम एंड लॉयन पेंथ्रा लियो लेपर्ड पेंथ्रा पार्टस एंड टाइगर पेंथ्रा टिग्रस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथ्रा। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इनके बायोलॉजिकल नेम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या है, टाइगर का क्या है, लेपर्ड का क्या है। तो पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा टिग्रस एंड पेंथ्रा पार्टस आर द साइंटिफिक नेम ऑफ द लॉयन, टाइगर एंड द लेपर्ड, क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा था कि एक जीनस और होता है फैली जिसमें सारी कैट्स आती हैं, लेकिन ये दोनों जीनस अलग अलग होते हैं, लेकिन फैमिली दोनों की एक ही होती है, और उस फैमिली को हम लोग बोलते हैं फेलिडी। और फैमिली जो है किस बेसिस पे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, तो वो होते हैं आपके कैरेक्टर्स हैं वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि डॉग की फैमिली होती है कैनेडी एंड कैट की फैमिली होती है फेलिडी, जिसमें कैट्स आते हैं और लॉयन लेपर्ड टाइगर सब कुछ आते हैं, राइट? फिर मैंने ऑर्डर के बारे में भी आपसे बात करी थी कि ऑर्डर क्या होता है, तो फिर ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। फिर मैंने आपसे कहा था ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि फैमिली कॉन्वोल्यूएसी एंड दी सोलेनेसी, ये सब ऑर्डर आते हैं आपके पॉलीमोनियल्स में है, और इट इज बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये भी आपको याद रखना है कि किसके बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिलीज आती है, फेलिस एंड दी कैनेडी, ठीक है, फेलिडी एंड दी कैनेडी दोनों कैटेगरीज आती है, कैट फैमिली एंड द डॉग फैमिली, बोथ आर इन दी ऑर्डर कार्निवोरा, क्लियर? तो मैंने क्लास के बारे में भी आपसे बात करी थी कि क्लास ऑर्डर प्राइमाटा जो है वो किसमें आता है, क्लास मेमेलिया में आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेमेलिया में कुछ और अदर ऑर्डर्स भी होते हैं। यहाँ पे मैंने फाइलम की बात करी थी कि नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम है। मैंने यहाँ पर एक बात और कही थी आपसे, जब आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते चले जाएंगे, राइट? तो हमने कहा था आपसे कि कॉर्डेट्स में दो बातें होती हैं, पहली बात कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी, फिर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होंगी वहां पे, ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स की क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स में इसको डिवीजन बोलते हैं, और फाइलम किसमें बोलते हैं हम लोग इसको, एनिमल्स में, एनिमल्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम, और प्लांट्स में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था किंगडम जो है इज ऑफ फाइव टाइप्स, हो गया था, नहीं सॉरी, किंगडम यहाँ पर आपका है, तो किंगडम एक अनदर कैटेगरी है, और किंगडम के बारे में मैंने आपसे कहा था किंगडम जो है इट इज ऑफ फाइव टाइप्स, ठीक है, फाइव फाइव किंगडम होते हैं हमारे पास में है, और इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम था आर एच विक्टेकर, ठीक है, आर एच विक्टेकर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या मतलब क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली आपको अभी याद रखना है कि फाइव किंगडम्स होते हैं, पहला किंगडम आपका होता है किंगडम मोनरा, फिर होता है प्रोटेस्टा, फिर होता है फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। मोनरा में क्या आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं, जिसमें आपका यूनिसेलुलर होते हैं वो सारे, और प्रोटेस्टा में आपका आता है आपका यूकैरियोट जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। या याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपके आते हैं प्रोटेस्टा में, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आपके आते हैं मोनरा में,
एंड पंजाबी प्लांटिंग एंड एनिमिलिया आर दी अदर किंगडम विच आर दी मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। फिर मैंने आपसे कहा था इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, और जिसमें एडवांस न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूकेरियोट्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था भी कि एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोस ऑन डिक्रीजिंग। सॉरी, ठीक है, टेबल मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है टेबल ये वाली कि कॉमन नेम क्या है, फिर उनके जो है जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, आपको याद रखना है। तो मैन का क्या है बायोलॉजिकल नेम, होमो सेपियंस जीनस क्या है, होमो फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है प्राइमाटा, क्लास क्या है मेमिलिया और फाइलम क्या है कॉर्डाटा, हाउस फ्लाई क्या है मस्का डोमेस्टिका, जीनस क्या है मस्का, फैमिली क्या है मस्किडी, ऑर्डर क्या है डिप्टेरा, क्लास क्या है इंसेक्टा, फाइलम क्या है इसका ऑर्थोपोडा मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका जीनस क्या है मैंजीफेरा, फैमिली क्या है एनाकार्डियसी, ऑर्डर क्या है सेपेंडियस, क्लास क्या है डाइकॉट एंड डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्म, वीट ट्रिटिकम स्ट्राइबम, ट्रिटिकम क्या है जीनस है, फैमिली क्या है पोएसी है, ऑर्डर क्या है पोएल्स है एंड क्लास क्या है मोनोकॉट है और डिवीजन क्या है इसका एंजियोस्पर्म है। ये टेबल बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और ये टेबल जो है वो आपको आनी ही चाहिए, वो आपको याद करनी ही होगी ये वाली टेबल, राइट। ये टेबल आपको याद करनी ही होगी एट एनी हाउ, ठीक है, बिकॉज इस टेबल से क्वेश्चन हर बार हर साल आता है, इस टेबल से क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी, इन सबके ऊपर हमने बात कर लिया था। देखिए मैं बार बार हर एक लेक्चर में आपको रिवाइज इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका जो ये एक घंटा है इसी में ही आप रिवाइज कर लें, ताकि और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए हमारा काम क्या है कि टाइम को बचाना, ताकि यहाँ से बायो से हमारा टाइम बच जाए, ताकि ये हम बचा हुआ टाइम अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाए, राइट। तो बायो अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो इसको हमें अपनी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रेंथ हमें इसकी बनाना है, कि हमको जो है बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। मैं बार बार हर एक लेक्चर में आपको जो पढ़ा दिया है पहले उसको रिवाइज करवाता हूँ, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए मैं ऐसा काम करता हूँ ताकि आपको क्लास के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएं और आपको कोई भी डाउट ना रहे इसके बाद में, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को ले लूंगा, राइट। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, अब ये क्या है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी कह रही है कि टैक्सोनॉमिक सीरीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जर्नल इन नोइंग मोर अबाउट द बायोसोर्सेस एंड देयर डाइवर्सिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक सीरीज जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है खेती करने में, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जर्नल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेस, ठीक है, जहां से अपने रिसोर्सेस को ले सकते हैं, ठीक है, एंड देयर डाइवर्सिटी। दीज सीरीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको अच्छे से बिल्कुल सटीक हमको ऑर्गेनिज्म को पहचानना पड़ेगा, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड द फील्ड स्टडीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको उसके बारे में पता होगा। किसी भी चीज को आप पहचान तब पाएंगे जब आप किसी चीज को आप जानते होंगे, आपको उसके बारे में पता होगा, राइट। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड द फील्ड स्टडीज। आपको बहुत ज्यादा स्टडीज करनी पड़ेगी लेबोरेटरी में, फील्ड्स में जाकर के, तब आप उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, उस कैरेक्टर्स को जानने के लिए हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। लेट अस से अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, तो घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, अब सपोज करिए कि घर में जो है कोई नया मेहमान आया है जो आज से पहले कभी आपके घर में नहीं आया मेहमान है वो वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब उसको लेने के लिए जा रहे होंगे हॉस्पिटल में, तो सॉरी हॉस्पिटल मैंने बोल दिया, आप जब उसको लेने के लिए जा रहे होंगे स्टेशन पे, तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप उसको लेने जाएंगे तो उससे आप फॉर्म पे पूछ लेंगे कि आपने क्या पहना है, ठीक है, आपके हाथ में बैग है, ठीक है, और कितने लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो आप जब उनसे कभी मिले नहीं है तो आप इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टेशन पे कि हाँ ये नहीं ये लोग हैं, और अच्छा दो लोग हैं, अच्छा ब्लैक शर्ट पहनी है, व्हाइट पैंट है, ओके ओके आप हैं, ठीक है, एक बैग है आपके पास में ट्रॉली वाला, ओके फाइन,
ठीक है, तो आप ये सारे कैरेक्टर्स उनको देखेंगे, आप स्टेशन पे देखेंगे, ब्लैक शर्ट, वाइट पैंट, ठीक है, फिर बैग, ठीक है, अच्छा इसका मतलब यही लोग हैं, फिर तब आप उन लोगों को लेकर के आएंगे। इसका मतलब आपको उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ कुछ आपको कैरेक्टर्स रिक्वायर है उसके लिए, उनको पहचानने के लिए, ठीक है, जैसे कपड़े वगैरह उनके हो गए। सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको जो है उसके कैरेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मतलब क्या बोल रहा है, कलेक्शन जो होता है एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। कलेक्शन जो होता है वो हमारे एक प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कलेक्शन होता है वो बेसिकली एक प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, क्लियर। फिर दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। मतलब क्या बोल रहा है कि ये आपके जो है क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है, और जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने जो जो ली थी, जो आपने गैदर की थी इन्फॉर्मेशन, उसको स्टोर रखने में भी आपकी बहुत ज्यादा आपके प्रयोग में आती है, राइट। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज, ठीक है, कभी कभी हम लोग आगे की स्टडी करने के लिए स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। बायोलॉजिस्ट ने कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स किए हैं इसके लिए, कुछ टेक्निक्स इन वो लोग लेकर के आए हैं किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एड्स। वही जो है वो क्या है, वो एड्स हैं, यही प्रोसीजर, यही टेक्निक्स क्या है, वो एड्स हैं, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है आज के चैप्टर में। कुछ इसमें से एड्स आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। ये बेसिकली एक कलेक्शन है प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का, जहां पर हम चीजों को स्टोर करते हैं और उन्हें प्रिजर्व करते हैं, और बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स उनके लिए लाके दी हैं ताकि हम उन्हें कैसे प्रिजर्व करें, कैसे स्टोर करें, और ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में, चीजों को मतलब पढ़ने में, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं। और ये जो एड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एड्स से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। तो जो पहला टैक्सोनॉमिकल एड है वो है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, जस्ट अ सेकंड बच्चों, हर्बेरियम क्या है बेसिकली, तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीट। हर्बेरियम क्या है, ये एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि पहले हम उन्हें सुखाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जहां पर हम प्लांट्स को पहले सुखाते हैं, ड्राइड, फिर उन्हें प्रेस करते हैं, फिर उन्हें प्रिजर्व करते हैं। सो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड ऑन सीड्स। कुछ सीड्स के ऊपर हम जो है प्लांट स्पेसिमेन को सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, और फिर प्रिजर्व करते हैं। फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और हम इस सीड्स को अरेंज करते हैं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके जरिए, उसके अनुसार। एंड दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और द रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। सब क्या बोल रहे हैं कि हर्बेरियम शीट में क्या होता है, हर्बेरियम बेसिकली एक स्टोर हाउस है जहां पर आप किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को एक शीट के ऊपर आप जो है पहले उस प्लांट स्पेसिमेन को सुखाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये आपका प्लांट स्पेसिमेन है, इसको आपने यहाँ पर रख दिया, साथ साथ में आप इसके बारे में लिखते हैं, तो एक हर्बेरियम लेबल आप लगाते हैं इसके साइड में, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हैं कि आपने इसको कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, डेट क्या है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो हर्बेरियम शीट एक होती है, वहां पर आपको ये सारे काम करने होते हैं, राइट, क्लियर। हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन का, जहां पर हम सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, और प्रिजर्व करते हैं सीट के ऊपर प्लांट स्पेसिमेन को।
हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल, मैंने कहा आपसे कि शीट के ऊपर साइड में क्या होगा, एक लेबल होगा, कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली एंड द कलेक्टर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है इस लेबल के ऊपर। और ये जो हर्बेरियम शीट का जो लेबल है ना, जो मैंने बताया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस पर होती है, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक बार बन चुका है बच्चों, इस पर जो है एक बार क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर पर, हमें किसी प्लांट को पढ़ना है तो हम हर्बेरियम गए, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, हमने निकाला, हमने देखा कि हाँ ये सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ये सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत जल्दी हम इनके जरिए जो है प्लांट्स को क्लासीफाई कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए। और ये हर्बेरियम कहाँ कहाँ बने हुए हैं, सो लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज द म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरे नेचुरले, पेरिस में है, फ्रांस में है ये वाला, ठीक है। एंड लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन सबसे बड़ा हर्बेरियम है, तो वो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया के सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, एंड न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन ये आपका जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। बहुत अमेजिंग होता है हर्बेरियम, अगर आप जाएं कभी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आप देखिए, ये हर्बेरियम शीट्स होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये प्लांट स्पेसिमिन है, ये आप देखिए ये प्लांट स्पेसिमिन है, ठीक है, और बहुत सारी शीट्स रखी हुई हैं, देखिए जरा आप लोग, ये बेसिकली एक लेवल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन कि किसने कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, इंग्लिश लोकल एंड दी इसके बायोलॉजिकल नेम्स भी इस पे लिखे हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई होती है, राइट। बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखना है, ये लेवल के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेवल है, बहुत ध्यान से देखिए इसको, देखिए प्लांट है, इसको पहले हम सुखाते हैं, फिर इसको प्रेस करते हैं, देन इसको प्रिजर्व करते हैं कुछ केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। ये सीड्स हैं और ये आपका लेबल लगा हुआ है, देखिए जरा आप लोग, फिर देखिए जरा एक बार, ये देखिए ये एक शीट है आपकी, ठीक है, ये देखिए पूरा इस पर लिखा हुआ है, ये लेबल लगा हुआ है हर्बेरियम का, लेबल लगा हुआ है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया है, बहुत सारी चीज है। देखिए पहले सुखाया, फिर प्रेस किया, ड्राइड, प्रेस्ड, एंड वॉट, प्रिजर्व्ड, ड्राइड, सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद प्रिजर्व करते हैं, और इसके बाद में एक लेबल लगाते हैं इस पे, ठीक है। ये देखिए लेबल है, इस पे हम लोग क्या लिखते हैं, जीनस और स्पीसीज लिखते हैं इसकी, ठीक है, इसकी फैमिली लिखते हैं, इसका हैबिटेट लिखते हैं, फ्लावर कलर और ग्रोथ, और कहाँ से कलेक्ट किया आपने, कलेक्टेड बाई, किसने कलेक्ट किया है इसने, आइडेंटिफाई किसने किया है इसने, उसके कॉमन नेम्स जो होते हैं वो, और डेट यहाँ पर आपको लिखनी है, यहाँ पर आपको कलेक्शन लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी होती हैं। अगर आप इसको देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे बचपन में हम लोग जो है वो जब नया नया अपना सिलेबस लेकर के आते थे तो हम लोगों को कॉपियां मिलती थी उसमें, राइट। तो जब कॉपियां हम लोग लेकर के आते थे तो हम लोगों को लगता था, जस्ट अ मिनट बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। तो बचपन में क्या होता था, जब हम कॉपियां लेके आते थे वहां से अपने स्कूल से, तो बेसिकली क्या करते थे हम लोग, हाँ, तो बेसिकली जब हम अपना सिलेबस लेकर के आते थे तो सिलेबस में क्या होता था बेसिकली जी, हम इसके ऊपर फिर कवर वगैरह चढ़ाते थे, कॉपी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते थे, स्टेपलर लगाया, फिर उसके ऊपर एक नेम शीट लगाते थे, अपनी स्लिप लगाते थे जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उस पर बड़ा स्टाइल से जो है अपना नाम लिखते थे। मैं इवन आपको बताऊं, मुझे बहुत शौक था इन सारी चीजों का, उस पर नाम ऐसे लिखा हुआ था, मैं बड़ा स्टाइल में उसका नाम, मैं यहाँ पे पूरी कॉपी में अपना जो कवर था वो मैं यहाँ पे लगा रहा था, कभी कभी ऐसे करके लगाता था अपना कवर, बड़ा स्टाइल से ऐसे। हाँ, आप लोग भी शेयर करते हो सारी चीजें, तो कभी सारी चीजें हम लोग करते थे यहाँ पे, तो वही मुझे याद आ गया कि सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और टीचर जो आपका है उसका नाम भरना है आपको, बहुत सारी चीजें करनी है, तो वही नेम शीट है, सेम स्लिप है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरनी रहती है, वो आप भर सकते हैं। याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन जो लेबल के ऊपर होती है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है क्या है, यहाँ पर आपको जीनस और स्पीसीज का नाम, फैमिली का नाम, ग्रोथ कैसी है उसकी, हैबिटेट कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है इसका,
से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, किसने आइडेंटिफाई किया, कॉमन नेम्स और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप समझिए कि हमारी एक स्लिप है ये वाली, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हमारा बोटेनिकल गार्डन्स गार्डन, ठीक है। सो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पर क्या होते हैं, सभी लिविंग प्लांट्स होते हैं। हर्बेरियम में क्या था, वहां पर हमने प्लांट्स को क्या किया था, प्लांट स्पेसिमिन थे, वहां पर हमारे पास लिविंग प्लांट्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या है बोटेनिकल गार्डन्स में, हमारे पास में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स है, ठीक है। एंड प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। आप जब बोटेनिकल गार्डन जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे कि हर एक गार्डन में हर एक प्लांट के बाहर जो है उसकी एक नेम शीट लगी रहती है, पर लिखा होता है उसका साइंटिफिक नेम और उसका लोकल नेम वहां पे भी लिखा होता है, ठीक है, उसके फैमिली का नाम वहां पे लिखा होता है और बहुत सारी चीजें आपके ऊपर लिखी जाती। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि हर्बेरियम शीट के ऊपर एक लेबल लगी होती है, सेम लेबल यहाँ पर भी लगी होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, राइट। द फेमस बोटेनिकल गार्डन जो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है वो है आपके, द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा इंडिया में है एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। तो लखनऊ में क्या है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है आपका, और हावड़ा में क्या है आपका, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, क्लियर। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, ठीक है, में है आपका, एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपका हावड़ा में है, एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन और द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, इससे ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये देखिए आप बोटेनिकल गार्डन, मतलब ये कितना अच्छा लगता है यहाँ पर जाने के बाद में है, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन लगता है बच्चों। आप एक बार जाइए जरूर बोटेनिकल गार्डन, अगर कभी आपको जो है जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली आप जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो आपको एक पीस ऑफ मतलब एक मिल जाएगा, एक शांति यहाँ पर ज्यादा रहती है, बिल्कुल आप अपना सॉरी यहाँ पर आप अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लगेगा। आप देखिए जरा खूबसूरती देखी जाए इसकी, देख रहे हैं आप जरा जरा देखिए इसकी, देखिए देखिए ग्रासेस को इन लोगों ने प्लान कर रखा है पूरा, बहुत सारे पेड़ लगाए रखे हैं इन लोगों ने। जरूर आप लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाया कीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप जाएं, यहाँ से आपको अपने सिलेबस का तो सीखने को ही मिलेगा, साथ साथ में आपको अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में आपको जो है खोजने का आपको टाइम मिलेगा, देखने का टाइम मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मतलब दुनिया वाकई में अच्छी बहुत ज़्यादा है, राइट। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे आपको लगेगा हाँ कुछ तो ब्यूटीफुल है, राइट। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको बोटेनिकल गार्डन्स में, घंटों घंटों आपके बीच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका आने का मन ही नहीं करेगा, इतने अच्छे अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स बने हैं, राइट, और अच्छे। तो ऐसे ही वहाँ पे लेबल लगा होता है हर एक प्लांट के बाहर, जहाँ पे लिखा होता है उसके मेडिसिनल यूज वहाँ पर लिखे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ये ड्रग जो है और ये एक ड्रग इसके पास में है, ये एक ड्रग प्रोड्यूस करता है जो कि विटिलिगो में आती है, काम आती है, और इसका जो है इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है, इसका बायोलॉजिकल नेम दे रखा है, और ये कहाँ होता है ये भी दे रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें, ये फैमिली का नाम दे रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए सारी चीज़ें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार ज़रूर आप जो है बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह ये जो है आपको यहाँ पर जाना चाहिए, बस यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए और आप जाएं यहाँ पर, आपको सीखेंगे जब तक नहीं तब तक आपका काम कैसे चलेगा, राइट। चीज़ों को सीखें तभी आपका काम चलेगा। फिर म्यूजियम के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यहाँ पर जो है कलेक्शन होता है प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस।
जो आपके जो स्पेसिमेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो बेसिकली एक जार में होते हैं, कंटेनर में होते हैं, विद द सम विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स और द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन मे ऑल्सो बी प्रिजर्व एज द ड्राई स्पेसिमेन. ठीक है, इनको हम जो है ड्राई स्पेसिमेन के टाइप से भी इसको प्रिजर्व कर सकते हैं. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. इंसेक्ट को जो है हम इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. ठीक है, आपको याद रखना है. एंड लार्जर लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. जो आपके जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स और मैमल्स, उनको क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं, उसके बाद उनको प्रिजर्व करते हैं. एंड म्यूजियम्स ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ द एनिमल्स टू. राइट, वहां पर आपको एनिमल्स के स्केलेटन भी देखने को मिल जाएंगे. तो म्यूजियम्स भी आप देख रहे हैं कि वहां पर भी आपको जो है कलेक्शन मिल जाता है इसका, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमिन का फॉर द हिस्ट्री. ठीक है, बहुत सारे म्यूजियम, बहुत सारे लोग आप में से गए भी होंगे म्यूजियम्स वगैरह टहलने के लिए. आपको पता होगा वहां पे कि वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वहां पर आपको बड़े पक्षी और मैमल्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको स्केलेटन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक डायनासोर वगैरह के स्केलेटन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, म्यूजियम्स वगैरह आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा. इंडिया के अंदर जो है इंडियन म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है, फिर एक म्यूजियम जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो आपका दिल्ली में है. ठीक है, एक दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली में है, और एक आपका इंडियन म्यूजियम है आपका कोलकाता में. ठीक है, क्लियर. ये देखिए आप म्यूजियम, ये आपका म्यूजियम है, ये आप देखिए ऐसे सब कंटेनर्स बने हुए होते हैं, कंटेनर्स और जार इनको आप बोल सकते हैं. ये आपके कंटेनर्स हैं, इसमें आप देखिए कि सारे सब कुछ रखे हुए हैं. राइट, ये देख रहे हैं आप, देखिए आप जरा इतनी सारी चीजें. उसके बाद में ये देखिए वर्ड्स, ये कंटेनर देखिए, बिल्कुल कंटेनर में रखे हुए हैं सारे. ये बेसिकली म्यूजियम्स हैं, ये देखिए आप लोग, है इनकी स्टफिंग करके यहाँ पे रखी हुई है. बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. आप कभी अगर जाएं इन चीजों को, आपको वाकई में टहलने जाना चाहिए. ये कौन सी मूवी थिएटर में लगी है उसको सबसे पहले देखने की बजाय, आपको पहली बात तो इन जगहों पर अगर आप जाएं, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ वाकई में जो है कितनी अमेजिंग डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर जाइए म्यूजियम्स वगैरह. फिर इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी कौन सी जूलॉजिकल पार्क है. उसमें मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि दीज आर दी प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड द बिहेवियर. जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, यहाँ पर हम जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग जो है एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रखते हैं अंडर द ह्यूमन केयर, एंड इसके जरिए हम उनके फूड हैबिट्स को और उनके बिहेवियर को समझ पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एनिमल्स के फूड हैबिट को और उनके बिहेवियर को हम लोग समझ पाते हैं. एंड ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. और जू के अंदर क्या होता है कि हम एनिमल्स को बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि वो नेचुरल हैबिटेट में उनको मिलती हैं. सेम हैबिटेट हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जू के अंदर. ठीक है, और हमारा जो पर्पज होता है वो ये होता है कि हम उनकी फूड हैबिट्स की स्टडी करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर की हम स्टडी करना चाहते हैं. ये हमें जू की इम्पोर्टेंस है. एंड चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज. ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इन सब चीजों को. हैं आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे टहलने के लिए म्यूजियम्स वगैरह, जूलॉजिकल पार्क वगैरह. ठीक है, तो कहाँ पर है इंडिया में, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है आपका हैदराबाद में, एंड द पद्मजा नायडू, ठीक है, नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है आपका दार्जिलिंग में. राइट, ये देखिए आप लायंस, आप देख रहे होंगे पिंजरे के अंदर ये सब रखे होते हैं. ठीक है, जू वगैरह अगर आप जाएं तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, पिंजरे के अंदर पैक होते हैं, आप वहां पर हर एक उसको देख सकते हैं, चाहे आपका शेर हो, चीता हो, मतलब कोई भी हो आप उसको देख सकते हैं. हर एक जो है आपको एनिमल वहां पर मिल जाएगा, हर एक एनिमल.
हर एक एनिमल आपको वहां मिल जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड क्या है आपका? तो नेक्स्ट आपका है कौन सा, आपको देखना है की के बारे में, व्हाट इज की। तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मतलब क्या है इसका, की एक और टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट्स और एनिमल्स की, और ये किसके बेसिस पे होता है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बीच में, ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। यहाँ कीज के अंदर क्या होती हैं, इसमें जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक पेयर में होते हैं, इसको हम लोग कपलेट बोल रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जो कैरेक्टर्स होते हैं पेयर में होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कपलेट बोल रहे होते हैं, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस, ये जो है क्या करता है, एक हमें चॉइस देता है। जैसे कि दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारे पास में क्या है, चॉइस है दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए, राइट। दो ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए हमको देता है। रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अनदर। हम एक को जो है एक्सेप्ट कर सकते, दूसरे को रिजेक्ट कर सकते हैं। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड द लीड। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes. ठीक है, and keys are generally analytical in nature. और keys basically जो है वो दो प्रकार की होती हैं, one is indented and the yoked keys and the bracketed keys. ठीक है, and indented keys कौन कौन सी होती हैं, it has a sequence of forms of different characters, and bracket keys कौन कौन सी होती हैं, one pair of contrasting statement for the given characters. मतलब देखिए indented keys का मतलब यह होता है कि वहां पर आपको different characters के एक सीक्वेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, indented keys बोल देंगे। लेकिन जहां पर हमको वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेटेड कीज बोलेंगे, क्लियर। तो हर जो है कीज में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, इसको हम लोग कपलेट बोल रहे होते हैं। इसमें हम लोग एक को सिलेक्ट कर दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, और हर एक स्टेटमेंट जो है कपलेट में क्या होती है, एक लीड होती है, ठीक है। एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, और इसको बेसिकली हम लोग जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। दो प्रकार की होती है ये, और ये दोनों प्रकार हो गए आपके। एंड फिर उसके बाद में द लास्ट वन, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में हम लोग आ गए हैं कि फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स जो आपके होते हैं, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मींस ऑफ द रीडिंग डिस्क्रिप्शंस। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब जो फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ है एंड कैटलॉग, ये एक अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, यहाँ पे ये भी हमारी हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। ये भी हमारी हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। एंड फ्लोरा में क्या होता है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब एक एरिया में जो है प्लांट्स का जो हैबिटेट है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, वो कहाँ पर होता है, वो हमें फ्लोरा बताता है। एक एरिया जितने प्लांट्स है और ठीक है उनका हैबिटेट जैसा है, उसके बारे में हमको फ्लोरा से जानकारी मिलती है, ठीक है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। फिर उसके बाद में दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपको प्लांट्स होंगे उनका आपको जो है एक इंडेक्स ऑफ द प्लांट मिल जाएगा, मतलब आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी। एंड मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। मैनुअल्स में क्या होता है कि एक एरिया में जितनी भी स्पीसीज हैं उनके नाम को आप जान सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस, आप उनके नाम की जानकारी ले सकते हैं मैनुअल्स के अंदर। एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ्स के अंदर जो है आपको किसी भी एक टैक्सॉन की जानकारी मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। मैंने एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन की है चैप्टर की, और मैंने जहां जहां पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देने हैं। हर एक पॉइंट को मैंने आपको बताया है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं,
साथ साथ में आपको जो है क्या करना है, आपको साथ साथ में जो है हमारे चलना है, और जो भी मैंने कहा है उस पर बहुत गंभीर रूप से आपको ध्यान देना है, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और इस चैप्टर से अगर आपने मेरे नोट्स फॉलो कर लिए, यानी चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हल हो। इसके बाद में हम इसके पीवाईक्यूज हल मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। हर एक क्वेश्चन जो आपकी लाइन एक एक लाइन से बन सकता है, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस लाइन से आया है, ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको जो ये वाला जो टेस्ट होगा वो कल होगा आपका। सो आज आपको ये सारे सब कुछ जितने भी मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, सब नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, और कल हम लोग टेस्ट में मिलते हैं, क्लियर। तो आज बहुत मजा आया हम लोगों करके ये वाला, और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज कर लेना चैप्टर को, कल टेस्ट है आप लोगों का, राइट। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।